इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एसोसिएशन के इश्तराक से 10वें वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023 का इनेकाद एलबी स्टेडियम में 18-21 दिसंबर 2023 को अमल में आ रहा है। इस नौयत के बैनुल अक्वामी मुकाबले जुनूबी हिंद में बिल्कुल पहली बार मुनक़िद हो रहे हैं। कारगुजार सदर वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन डॉक्टर कौकब अजीम, मैनेजर इंडियन स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम सीमा अजीम व दीगर ने हैदराबाद में कर्टेन रेजर के जरिए इन मुकाबलों के पोस्टर जारी किए। इस मौके पर कप्तान इंडियन टीम सैयद मुशर्रफ, सदर नशीन प्रेस एंड मीडिया कमेटी डॉक्टर मजहर कादरी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। तवक्को की जाती है कि इन बड़े मुकाबलों में मुख्तलिफ ममालिक से तकरीबन 250 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। डॉक्टर कौकब अजीम ने मीडिया को तफसीलात बताई। अस्सलाम वालेकुम, वी आर हैप्पी आप सबको, ए प्राउड मोमेंट है कि हैदराबाद में 10th वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2023 ऑर्गेनाइज हो रहा एलबी स्टेडियम में, और ये 18 से 21 तक चलेगा। 18 के दिन वेइंग इन स्टार्ट होगा, जो एथलीट्स का वेट वजन लेते हैं और वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद 19th को 10 AM एलबी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी है, और 21st को 5 बजे क्लोजिंग सेरेमनी है, वैलिडेटरी फंक्शन। इसमें 250 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे वेरियस कंट्रीज से, और एक बड़ा कॉन्टिंजेंट है जो हमारे इंडिया का जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ए वेरी बिग चैलेंज, और कई बार इंडिया हमारा चैंपियन रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनर्स रहा है। ये बार भी हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया अच्छा करेगा, और इसमें काफ़ी सारे एथलीट्स नेपाल से भी 40, और पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, अमेरिका से भी कुछ एथलीट्स आए हुए हैं, और काफ़ी सारे एथलीट्स जो यहाँ से और सऊदी अरेबिया से और ईरान, इराक और ये सब कंट्री से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। और इंशाल्लाह ये वंडरफुल शो रहेगा, काफ़ी एथलीट्स यू कैन विटनेस जो देखेंगे आप, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स यहाँ पर कायम होंगे, और आपको एक नया तजुर्बा होगा देखने में, एंड यू विल बी रियली विटनेसिंग ए वंडरफुल शो, गॉर्जियस चैम्पियनशिप होंगे यहाँ पर। सो मेक इट ए ग्रैंड सक्सेस, आप सब आइए और इसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाइए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इसमें रेफरीज जो हैं वो जो है ए क्लास रेफरीज रहते हैं इसमें, जो क्वालिफाइड है, जिसको तकरीबन 15-20 साल का एक्सपीरियंसेस है, वो लोग रेफरीज हैं जो डिफरेंट कंट्री से रहते हैं, इंडिया से भी होंगे और दूसरे कंट्री से भी होंगे, वो लोग रेफरीज होते हैं या उनका एग्जामिनेशन होता है। जब वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर उनको जो है वो रेफरीज का जो है जॉब दी जाती है, बड़ा जो है जी। वहाँ पर देखिए आप जो टीम चैंपियनशिप जो विनर होता है, ज्यादा मेडल्स देते हैं उनके लिए जो है कप्स वगैरह है, काफी अच्छे अट्रैक्टिव कप्स हम दे रहे हैं विनर्स के लिए, रनर्स अप और थर्ड प्लेस के लिए। और उसमें जो है बेस्ट टोटल होता, बेस्ट टोटल इन मैन एंड वुमेन, जूनियर्स में होता बेस्ट टोटल, और हैंडीकैप के लिए है बेस्ट। तो काफ़ी इनामात है जिसमें 14 या 15 जो है ओवरऑल कप्स दिए जाएंगे, और हर कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो है मोमेंटोस पूरे रेफरीज के लिए, जितने गेस्ट ऑफ ऑनर है, चीफ गेस्ट है, इन सब को जो है मोमेंटोस और उसे जो है उनको ऑनर किया जाएगा। नौजवानों के लिए ये मैसेज है कि व्हाट्सएप से दूर रहें, जो आजकल स्क्रीन एक डिजीज हो गया है, सुबह से लेकर शाम तक आप स्क्रीन पे रहते हैं, उसके काफ़ी जो है नतायज जो है आपके हेल्थ के ऊपर हो रहे हैं, जैसे नेक पेन, बैक पेन, ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और ऑल्सो लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स आप जैसे कान में इसमें। तो आप थोड़ा इसको बंद कर दीजिए, रात में 10 बजे 9 बजे बंद करके साउंड स्लीप्स हो जाइए, एक्सरसाइज करिए, कसरत करिए। यह नहीं कि आपको खाली चैंपियन ही बनना है, और चैंपियंस भी है तो उनको जो है सेहतमंद रहना है, एथलीट भी है तो उसको सेहतमंद रहना है।
तो आप ये गुटखा वगैरह ये सब चीज़ों से, नशीली चीज़ों से दूर रहिए, अपनी सेहत का जो है ख्याल रखिए। एक सेहत ऐसी चीज़ है, यू कैन बाई एनीथिंग इन द वर्ल्ड, यू कैन नॉट बाई योर हेल्थ। सो आप अपनी हेल्थ का जो है पूरा ख्याल रखिए। आप हर चीज़ खरीद सकते हैं दुनिया में, अपनी सेहत नहीं खरीद सकते। तो सेहत के लिए डेली एक घंटा आप अपने आपको देना चाहिए, अच्छी डाइट लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, लंच लाइक ए मिडिल मैन और डिनर लाइक ए पुअर मैन, और एक घंटा आप अपने लिए एंड हैव ए फन, और हमेशा खुश रहिए, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखिए। इंशाल्लाह गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट हेल्थ इंशाल्लाह एंड लव यू, थैंक यू। स्टेरॉइड्स तो नहीं लेना चाहिए, इट इज़ वेरी हार्मफुल और वो इट्स लीड्स टू कैंसर। काफ़ी बच्चे भी जो हैं इंतकाल हो गया या बच्चों को वो हो गया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में। तो नहीं लेना चाहिए और उसके बारे में कोई दूसरा ख्याल नहीं हो सकता, और हमारे बच्चों की जान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट से नो टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड अबाउट सप्लीमेंट्स अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर यू कैन टेक, क्योंकि सप्लीमेंट इट इज़ ए फूड। तो आप वो जो फूड ले रहे हैं, आप एक डॉक्टर, आपको अगर बॉडी को जरूरत है तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये लीजिए आप, अगर वो बॉडी में, अगर बॉडी में जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी आप ज़्यादा मत लीजिए, उसके भी जो है साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए, जाके आप अपना जो है बताइए कि सर मैं ये लेना चाहता हूँ, अगर वो जरूरत है तो डॉक्टर बोलेगा कि यस यू कैन टेक, बिकॉज सप्लीमेंट्स वर्क एज ए कैटलिस्ट इन द ह्यूमन बॉडी। तो आप वैसा लीजिए, आप उसमें अगर जरूरत है तो आप बराबर लीजिए आजकल, लेकिन डोंट डिपेंड ओनली ऑन सप्लीमेंट्स, वर्क हार्ड। ऐसे कई बॉडी बिल्डर्स है जैसे प्रेमचंद डगरा वगैरह, ये जो बॉडी बिल्डर्स है पहले वर्क हार्ड करते थे, उसके बाद में जरूरत है तो लेते थे, आजकल डायरेक्टली सप्लीमेंट पहले फिर बाद में जिम, ये नहीं, पहले वर्क हार्ड करिए, अपना जो है लोहा मनवाइए, अच्छी एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद ये सब चीजें जो एडिशनल चीजें हैं आप उसको ले सकते हैं। मेहनत ही नहीं होती, 10 किलो मार रहे सप्लीमेंट ले रहे, दिस नॉट गुड। अच्छा वजन उठाइए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठाइए, उसका एक प्रोसीजर होता, अच्छे आप जो ट्रेन प्रोफेशनल्स है उनके अंडर में आप ट्रेनिंग करिए, आप बराबर जो है इंप्रूव हो सकते हैं इंशाल्लाह। मैजेस्टिक स्वीट्स पिछले 22 साल से आपके खिदमत में लजीज मिठाई और नमकीन पेश करते आ रहे हैं। मैजेस्टिक स्वीट्स की मिठाई बिलखसूस अजमेरी खलाकंद न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूर और मारूफ है। ताज़ी जायकेदार मिठाई और नमकीन के लिए तशरीफ लाइए मैजेस्टिक स्वीट्स एंड सेवरीज मेहदीपट्टनम, मैजेस्टिक स्वीट्स एंड नमकीन टोली चौकी हैदराबाद। नाम रखाई के स्पेशल लड्डू या गिफ्ट पैक ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 81253-59745 या 9885875153 पर।